150 दिन रह गए हैं, अपना प्रिपरेशन प्लान ऐसा कर लो यार, ठीक है, अपना प्रिपरेशन प्लान ऐसा कर लो, फिर हम बाहर देख रहे हैं व्यू देखने के लिए। भाई 150 दिन पता है पड़े हैं, 60 दिन और एक्स्ट्रा लास्ट का एक महीना, लास्ट का एक महीना कुछ नहीं करना है, नवंबर मंथ चिल वाइब्स ओनली, नथिंग डूइंग। 60 दिन में एक बार पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, अगले 60 दिन में एक बार पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। सो कैसे होगा सिलेबस? अर्थमेटिक एलजेब्रा दोनों जो टॉपिक हैं उसके 16 क्वेश्चन जा रहे हैं 22 में से, 15 से 16 हर साल, मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेपर ही दोनों टॉपिक में। अर्थमेटिक खत्म करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का टाइम चाहिए, दिन का अगर 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हो तो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम बैठी हो लेगी किताब नहीं हो, टाइम फिट डिस्टेंस 2 से 3 दिन, टाइम एंड वर्क 2 से 3 दिन, मिक्सर एलिगेशन 2 से 3 दिन, उतना ही करना है, फिर उसको रिविजन के लिए टाइम रखना, नंबर वन। नंबर टू, और डीएलआर पीवाईक्यू एक हफ्ते में एक मॉक देना शुरू करो। बी लाइक ए स्कैवेंजर, जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सब तो आता नहीं है तुम्हें, उस दिन भी सब कुछ नहीं आएगा, जब कैट के दिन आओगे तब भी रोते रोते आओगे, बिकॉज 50% सॉल्व तो ब्लडी टॉपर कर रहा है 99.5 के ऊपर वाला, तो तेरे से अभी नहीं सवाल सॉल्व हो रहे तो रिजेक्ट क्यों कर रहा है अपने आप को, लेट देम रिजेक्ट यू, उस दिन की बात कर, बस तू पढ़ाई कर। सो बैठ के 1 वीक एक हफ्ते में एक बॉक, डीएलआर क्वांट आरसी पैराजंबल, और पैनिक नहीं होना है, एक काम करना, इस वीडियो के नीचे प्लेज करके जाना, प्लीज़ गिव योर लाइफ टिल August 15 टू मी, August 15 के पहले, मैंने आज क्लासरूम के अंदर भी प्लेज करवाया इनको, डोंट लीव योर प्रिपरेशन, ओके, मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट है। August 15 तक ये जून जुलाई का ऐसा टाइम है जब सब लोग पैनिक होते हैं मार्केट में, ये जितने भी 2.88 लोग कैट देने जाते भी हैं उसके अंदर से जो रैंडम लोग जा रहे हैं, मेरा तो नहीं होना, मैंने छोड़ दी प्रिपरेशन, जो स्कूल में करते थे, और मैं नहीं पढ़ रहा यार, और मैं नहीं कर, उनसे दूर रहने का, उनको मरने देना, तुम प्लेज करोगे 15 अगस्त तक, चाहे लुट जाऊँ चाहे बर्बाद हो जाए, आई एम नॉट गोना ड्रॉप इट। जिस दिन कैट का नोटिफिकेशन आएगा ना उस दिन 2000 लोग लाइव होंगे, और जिस दिन कैट का एडमिट कार्ड आएगा उस दिन 5000, रिजल्ट के दिन 10000 लोग लाइव होते हैं, हाँ, और मैं ऐसी फैशन करता हूँ, पता चलेगा आपको। 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर मॉक्स देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अभी कर लीजिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट आप बाद में कर सकते हो। हर दिन का 30 मिनट्स का ऑनलाइन टाइम तो होना ही चाहिए, प्रेफरेबली गिविंग सेक्शनल टेस्ट, एग्जाम ऑनलाइन है। हार्ड किताबों से पढ़ना बंद करना है, जून मंथ ले लो, जुलाई मंथ ले लो, August 15 के बाद हार्ड किताबों से पढ़ना बंद करना है, ठीक है। लास्ट 30 डेज मॉक्स, ऑल द टॉपर्स गिव ब्लडी 30 मॉक्स इन 30 डेज एज वेल इन नवंबर, यू कैन डू इट इन ऑल्टरनेट डेज एक्सेट्रा, 30 तो नहीं, 20, पिछली बार तो 26 नवंबर को 27 नवंबर को कैट था, इस बार 24 नवंबर को है, तो 20 तारीख तक अप्रॉक्सीमेटली 10 या 20 मॉक आप दे सकते हो। मॉक देने समय लास्ट बात, फिर मॉक देने समय सिर्फ एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक बात, मॉक का एनालिसिस कैसे कर रहे हो, कोई ईजी क्वेश्चन छूटा वो आज छूटा है पेपर में भी छूटेगा, उसको लिख ले बैठ के, नंबर वन। दूसरा, किसी मुश्किल क्वेश्चन पे ऐसे बाल पकड़ के बैठ गया था, ये तो सॉल्व करूंगा, मैं तो सॉल्व करूंगा पक्का, ही तो मैंने ज्योमेट्री सवाल की हुई है, मेरा अर्थमेटिक पॉइंट नंबर टू, उस क्वेश्चन पे रुकने का नहीं है, क्यों, 5 मिनट्स यू स्पेंड ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, या से क्वांट में 2 क्वेश्चन थे जहाँ 5-5 मिनट लग गए, 10 मिनट हो गए, डीएलआर में 1 क्वेश्चन था 5 मिनट लग गए, 15 मिनट हो गए, वर्बल में 1 और, दिस इज रेडी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स इज योर हाफ ऑफ द एंटायर सेक्शन, एक सेक्शन मतलब 40 मिनट का ही होता है, 3 सेक्शन होते हैं, समझ आ रहा है, तो इसलिए ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कर सकता था और मैंने ठीक भी किया है, बट आई एम टेकिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड, इवन इफ यू स्पेंड 6 मिनट्स 7 मिनट्स इन गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट, देर इज सम इडियट हु इज सॉल्विंग द इजियर क्वेश्चन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैट पेपर, That's the reason, that's the difference between a topper and 99% plus and you guys. तो ये वाली दिक्कत आपकी होनी ही नहीं चाहिए।